ऑडियंस बताता हूँ। हाँ ओके बताओ। ये है जो आप, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एनदर व्लॉग। सो यार आज हम लोग कॉलेज आ गए हैं क्योंकि ना क्लासेज है, ऐसी सी बात है। Here we go again. So, स्पेशल ये चीज़ है कि ना आज हमने ड्रम का ऑपरेशन करना है, यानी फ्लो का डिसेक्शन करना है, एंड इसलिए हम आ गए हैं। वैसे ना सर ने पिछले वेनसडे को और ट्यूजडे को रखा था, बट उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी और ड्रम भी नहीं मिला, मतलब फ्रॉग नहीं मिला। यार मैं पंजाबी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जाहिर को बात ना समझना, हम पागल हैं पागल। वैसे ब्लॉग के लिए कर रहा हूँ, तो अभी यार चलते हैं लैब में, लैब में जाकर देखते हैं, मे भी आज मिल गया, अगर ना भी मिला तो कोई और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो चलते रहते हैं, लेकिन वैसे मतलब आज के हम थोड़ा बहुत डे में आपको दिखाऊँगा एफ सी में देख कैसे मेरा कुछ चल रहा है। एंड आज 3 बजे तक क्लासेस हैं, तो म्यूज़िक लेक्चर भी है, एंड बाकी चलता हूँ। अभी लैब कोट वगैरह नहीं पहना, बैग में ख़राब हो पड़ा, बैग में रखा था ना, तो वो भी जाके पहनते हैं, चेक करते हैं। और मैं दो ट्रांजेक्शन बॉक्स लाया हूँ सही से हलाल करेंगे इंटरव्यू में, सो चलते हैं। तो यार ये देखो बायो का नहीं पढ़ रहा, PSC का पढ़ रहा है, एंड ये इसका डिसेक्शन बॉक्स है, बाकी ये अली है। और मुझे लग रहा है आज होगा डड्डू ऑपरेशन, बिकॉज उधर ना प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई है ना, जिसके ऊपर डड्डू को रख के हलाल करते हैं ये देखो कितना हंस। और ये हमारी नई लैब है, इसमें याद ना जब साइकोन की तैयारी कर रही थी, सो बाकी वो सामने स्केलेटन और सर मशहूर ये खड़े, एंड बाकी यही सीन है वो सामने। आपको अपने बॉक्स मैंने ना लैब को इस तरह का लग रहा है, और ये मेरा एक डिसेक्शन बॉक्स है और ये दूसरा। सो अभी अली से रिव्यू करेगा, अली खोलो इसे, हम इसकी करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग देखिए इसमें क्या कुछ है, इसके साथ इसका मैंने ओ भाई सबसे तेज ये ब्लेड है, ये तो यार टांके लगाने के लिए सीखने के लिए है। हाँ हो, एंड इसको खोलो, और मैं करता हूँ ना, तो तुम ही कर रहे थे, खोलो तो चेक करो इसमें सब कुछ है, इससे ना हम अरसलान का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके उधर से निकाल, इसकी छुड़ी कहाँ गई, तुमने अहो ये सब कुछ इसमें ऐसे ही आया है, ये आया ही ऐसे, ये देखो छुड़ी छुड़ी, वो तुम्हें उन्होंने गलत दिया है, तुम्हें लूट लिया उन्होंने, क्योंकि मैंने ये सब कुछ लिया था ऑफिशियल शॉप से, ये ब्लेड्स वगैरह हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हैं, सीजर्स वगैरह हैं। यार इसमें थोड़ा सामान लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद उसमें इसमें है, बाकी ये देख लो। ओ सर वगैरह कर रहे हैं, सर नासिर वगैरह एंड सर मसूद वगैरह, बाकी सामने स्केलेटन है, ये हमजा, और बाकी यार वो देखो वो बड़ी प्लेट्स वगैरह, ये देखो ये बार बार अली सुनवा, ये दिल तुम्हारा काट देगी। So, यार अभी ना ऑपरेशन कर रहे हैं। A few moments later. आप ये मार्कर के साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या आप वैसे ही जो है इमेजिनरी लाइन, क्या मैंने इधर एक सामने जो है सीधा सीधा कट कराना है, कैन यू सी दैट, उसके मार्कर के साथ जो है लाइन ड्रॉ की, या यहाँ से स्किन पकड़ के फोरसेप्स से हमने जो है ऊपर तक लगा देनी है, फोर लिम्स से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये याद रखना है। पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लोअर द जॉ बट अपर द फोर लिम्स से ऊपर, ये उसने भी कहे थे सेव केयर नॉट टू कट टू डी, मगर इधर एक और चीज याद रखने वाली है, एक इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसने बिल्कुल सेंटर से यहाँ से कट लगाया ना, एनिमेशन में एनिमेशन इज एनिमेशन, ठीक है, वो तो जहाँ से बच्चे जिस तरह मर्जी गाइड कर ले, सेंटर लाइन है ना वहां से ये जो है ना ब्लड वेसल आती है, अगर वो ब्लड वेसल कट जाए तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और उसको हमें नहीं काटना। वर्टिकल इंसीजन भी देनी है बिल्कुल सीधी, मगर हमने इस तरह से काटना है, अभी जब मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ना, देयर आई विल शो यू कि वो जो है हमें बसल के नीचे नजर आ रही होती है ब्लड प्रेशर, तो हम उसके बिल्कुल साइड से कट लगाते हैं वर्टिकल इंसीजन जो देते हैं ताकि वो बची रहे। सर क्या इसका नाम क्या, पेट्रल अब्डोमिनल वेन,
जो कि इधर हाथ से हाथ के इधर तक हाँ ये सब आ गया। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है जहाँ से आपने वर्टिकल इंसिजन देनी थी। मैंने आपको कहा कि ये वाली जो है ब्लड वेसल नहीं कटनी चाहिए। आप स्किन काटते आप मसल काटते कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग तब होगी जब आप कोई वेन कोई कैपिलरी या आर्टरी काटेंगे तो फिर ब्लीडिंग होगी और आप कुछ भी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो आपसे ये जो वेंट्रल एब्डोमिनल वेन है इसको बचाना है हर सूरत में। ये टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। A few moments later. सबसे दर्द नहीं हो रही? हो रही है बेटा, टपला तो है। ये देखो तुमने क्या क्या बना लिया, हमसे सांस लेते फिर आ गया। मैं बाद में निकालने भी पड़ेंगे तो हम निकाल लेंगे। बच्चे स्नैप से मार देख रहा मैंने और इतने भी लगाने के बाद में निकले भी ना जिन दांत में निकले। यहाँ से भी लेगा यार चुन के दिमाग कॉन्शियस कर सर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तुझे। उसकी आंखें देखो यार, काश तुम ये होते इसकी जगह। इतनी जिम करने का क्या फायदा। सरकादेश नहीं है आज, बहुत सरकादेश। अच्छा यार देखो इधर से हमें इसको पकड़ना है, ठीक है? स्किन इसकी पकड़नी है, ये स्किन सिर्फ स्किन, ठीक है? आदि है अब फिर यहाँ से हम इसको काट करेंगे, ठीक है? संजय से हम मुर्गी दिमाग कर, ये देखो मुर्गी ना मुर्गी ये देखो कीड़ा आ गया। सर इसको उठाए पानी डाले यार, इसका चिकन तो चिकन चाट ले खाने तो वाकई मुर्गी जैसे सही से ये तो पहले से नहाने लगी सर। इसको जिंदा करना तो बनाने की होती थी, तुम्हारी भी है ना। मैं भी कहूँ KFC वाले तो मेरे घर KFC को एक्सपोज करते हुए सर ये भी गया उधार इसकी स्किन लैदा कर फोन निकला सर। सरोज मारे सारे साफ करता हूँ ना फिर
मड़ा मरा हुआ है लेकिन मरा हुआ है बेहोश है मर गया अब वो मर गया कैसे होते हमें सेव करना होता है ठीक है ये है ये वाली है ठीक है आ रही है ना सर आ रही है थोड़ा सा इधर तुम भी व्लॉग बना रहे हो ना चिट्ठी लाने चिट्ठी नहीं है चिट्ठी नहीं है चिट्ठी दे अब देखो यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे ठीक है खतरे कैसी बातें कर रहे हो अश्लील बातें कर रहे हो पार्ट के जरिए इमोशनल फिर उसका खून निकल अच्छा ये डर लगा हुआ यार तुम लॉगिंग कर रहे हम पूछे बगैर हम भी जा रहे लाइव जाओ सर रूज से ना आ जाएंगे देख रहे हो ना आप लोग सब जी सर उससे पूछा सर आप तो कह रहे थे यहाँ ये नहीं काटना तो नहीं ना कटिंग करो हजार रुपए का एक्सपीरियंस है बस फिर वो कटना खून खून हो जाता है तुम्हारे मुंह पे मर पी लेना यही लग रहा है तुम वैम्पायर हो तुम्हारा भाई भी पड़ता है इधर ना आपने कहा देखा तुम्हारा भाई भी सेम सेम इसकी ड्रेस है देखी कहाँ पे तुमने देखा कहाँ पे मैं ब्लॉग गया था देखी सॉरी बाल भी चीज पे है तुम लोग का खानदान नहीं है ये सर छाप अभी वो सारा काट के तुम्हें दिखाएंगे कैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है और एक इंसान का इतना ये देखो बेटा ये ठीक है ये देखो ये इसका क्या है ठीक है इसको जैसे कट लगा के ऊपर करते हैं फिर ना ना कट जाएगी ना कटे ना कटे बस ये देखो इस तरह हमने इसको निकालना होता अलग करना होता कौन कह रहा है ये देखो ये हार्ट के साथ अटैच हुई है ठीक है इसको हम यहाँ से रख के कटिंग करेंगे ताकि वो ना कटे नहीं हो रहा अच्छा मेल है कि फीमेल अभी वो नीचे देख लेते हैं शायद तो मंदे हो इस वजह से अली सलमान लोग मिसेस स्ट्रिंग कैसे करेंगे उसको तो अब जोड़ ये देखो ठीक है मैं हमारा यही होता है इसको हमें सेफ रखना होता है ठीक है मैं भी खड़ा ये क्या डड्डू को डड्डू देख के डर लगना ही नहीं चाहिए सर ये बॉडी सही स्टैंड बोन है चेक करें कितने चेस्ट बोन्स है
हमजा किधर है काकी साहब के दिल में पानी घुस गया ये बड़े बड़े तालाबों में रहते इसके साथ ये लाइव आया हुआ बंदा क्या इस तरह उसके ऊपर लगा के बैठे जिसका दिल तो नहीं पंप किया ब्रो इज प्रूफिंग मर्द को दर्द नहीं होता असल बात जो है ना अब शुरू हुई है क्योंकि जब एक्सपोजर के बाद जो है ना जो टीचर आपसे पूछेगा उससे पहले सर अनिल ने मुझे प्रोसीजर बताया ना और जो जावेद साहब ने आपके सामने किया है इसी को ही आपने इंग्लिश में लिखना है इन्होंने जो कुछ भी किया है जैसे जैसे काटा है जिस तरह से ये प्रोसीजर है इसको बुलेट्स बना के लिख लें पास टेंस भी लिखना होता है तो 10 हाँ ये मैं बताता हूँ बेटा अब मर्जी होती है लेकिन 99% तक परफॉर्म नहीं होता ऐसे ना एक फ्रॉग डायसेक्ट किया गया होता है जैसे अभी ये हुआ हुआ और वो भी बड़ी मुश्किल उनको कई दफ़ा मिलता है कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि फ्रॉग का मॉडल रखा होता है वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है तो उसमें से वो ना ऐसा करके ये सीकर हाथ लगा के तो पूछ रहा होता है उनके पास तो फ्रॉग भी नहीं होता ठीक है लाहौर में बड़े बड़े अजीब अजीब जगहों पर सेंटर पड़ते हैं आप डिपेंड करता है कि पड़ेगा किधर सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं प्रोसीजर के और डायग्राम यानी कि आपने वहाँ पर जो मार्क्स लेने वो परफॉर्म करने के लिए लेने क्या करने के लेने वो जो स्टेप जैसे ये किया है इसके स्टेप्स लिखने पास टेंस में और दूसरा इसमें डायग्राम लाने ये दो काम करने के नंबर है असल में पास टेंस में हर याद रखिएगा हर एक प्रैक्टिकल जो बुक में लिखा होता है उसको पास टेंस में कन्वर्ट क्योंकि आप अभी कर रहे हैं ना तो आप कहते हैं कि आई डिड दिस आई डिड दैट दिस दैट तो आपने पास टेंस में लिखना होता है क्योंकि आप ये कर चुके हैं और वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं तो ये रूल होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप प्रोसीजर लिखें उसको किस टेंस में लिखा अलबत्ता इनके इसके आपने बुक का वैसे अड्डा लगा दिया है और आपने पास में नहीं लिखा तो वो भी काबिल कबूल होता है उस पर भी पूरे मार्क्स मिलते हैं बट लेटर क्या है जो रूल है वो बता रहा हूँ रूल ये कि हर प्रैक्टिकल को आपने लिखना होता है कि आई डिड दिस एंड दैट आपने उसको पास टेंस में ही मेंशन करना 2000 years later ये पूरा भरा हुआ है फ्रॉग्स के साथ यार हम उधर चलते हैं क्योंकि इधर बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं इसके तीन लॉब होते हैं हाँ लेबर की तीन लॉब होते हैं ये देखो वन टू और ये थ्री हमारे भी तीन हैं नहीं हमारे दो होते हैं ये देखो आप इनके ना इनके जंक्शन पॉइंट पर ऑलमोस्ट ये ना ऐसे पलटो ना ये समझ लो जो सबसे पहला वाला पल्ला होता है उसको उठाओ तो ये आपको गोल बैटर तो कई दफ़ा ये ऐसे छुप के बैठा होता है अब वो जान के आपको कहेगा सीकर पकड़ो गोल बैटर दिखाओ
जो नजर नहीं आ रहा था आपके काम तो वो चेक करते हैं, बाकी जो सारे सामने नजर आ रहे हैं तो देखिए जो चीज़ नजर नहीं आती उसको खोजना पड़ता है, खोजने के लिए है सीकर, इससे आप आगे पीछे करें कैसे पर देख ली जाएंगे। अब देखो मैं ये लंग हो गया, ये प्लेयर हार्ट हो गया, ये लिवर हो गया, ये ऑर्गन जो सिंपली एक्सपोज फॉर्म में नजर आते हैं, इन चीज़ को देखना अगर मुश्किल है वो मैं भी दिखाता हूँ, इनको पूरे को हटा के पीछे ऐसे देख लिया, ये अब देखो बिल्कुल लंग को मैं पीछे करूँगा तो ये बड़ा सा लंग, हाँ ये लंग रहिए बने, ये लंग रहिए बलून लाइए, ये सभी का सर। अब ये सभी का यहाँ पर आ गया बैग लेग चैम्बर में खुल गई, ये पतली है, ये देखो ये बैग लेग चैम्बर आ गई समझ, ठीक है स्टमक के बाद देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी सारी, ये जा रही है तोड़ तोड़ ये पतली सी, और इसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन जो स्ट्रेच होती है, ये देखो कैसे मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है, और इधर एक देखो ऑर्गन नजर आ रहा है स्प्लीन है, अब स्प्लीन ये स्प्लीन जो है ना इधर हमारे व्हाइट ब्लड सेल वगैरह बनते हैं ना, और बेसिकली डिफेंसिव ऑर्गन है, तो ये जो है ना मेसेंट्री पूरी मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये वाली मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं मेसेंट्री, ठीक है इस मेसेंट्री में ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना ये क्या स्प्लीन है, ठीक है, और इसके बाद ये देखें ये बेचारा फ्रॉग जो है ना इतना बला हुआ नहीं है, ये इसकी फैट बॉडी है, अब देखो जैसे ही ना आप इसको हटाते हैं ना तो देखो ये देखो ये एक इस साइड ये देखो देख रहे हैं एक इस साइड और ये एक इस साइड, ये देखो ये किडनी है ये किडनी है देख रहे हो, ये आइए और भाई इंसान थोड़ी है अपने बंदे को फ्रॉक को ये नहीं समझाओ मार्केट ले गया तो मैं इसका किडनी बना के दिखाऊँ, इसका किडनी ऐसे जलेबी वाला होता है जैसे गोरमे की मोटी वाली जलेबी नहीं देखी बलों वाली वैसी लुक होती है गोरमे की, वैसे करके ना बल जले बड़े फूल बूट वाली जलेबी होती है मोटी सी ग्राटो वाले भी बनाते हैं ग्राटो, वो जो मोटी सारी ऐसे फूल फूल फूट वाले वो जलेबी जो है इसकी किडनी की वैसी लुक होती है, इसका किडनी इलांगेटेड होता है मेरे भाई, कैसा होता है क्लीन शेप नहीं है तेरे में और इसमें बड़ा फर्क है, तू बंदा है ये बंदा नहीं है, चलो मान लो यार बातें मान लिया करो, ये देख रहे आप ये स्प्लीन है, ठीक है इसके बाद अगर आप देखें तो ये देखिए ये पतला सा स्ट्रक्चर, ये देखो ये किडनी है तो साथ एक पतला सा स्ट्रक्चर है ये देखो ये जो एक ऐसे ये नजर आ रही है जिसमें मेरी ये बेसिकली इसका टेस्टिस है, ये मेल है फीमेल में ना इतना गुच्छा ओवरी का होता है ऐसे करके खाना होता है, देखिए ये देखो ये यहाँ पर मेरा हाथ है ना ये यहाँ ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के लॉन्ग रीढ़ किडनी है, अच्छा देखो बेटा ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आंखों में जाके ना ये लास्ट पार्ट होती है, इसको खाना भी इतना नहीं खाया भूखा बेचारा भूखा भांडा ले है इसको काट दिया बकरी ने, ये देखो लास्ट में सुन तो लो ये बातें ना, ये जो आप देख रहे हैं ना जिसको हमें हिला रहा ये इसका ना स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जिसको बोलते हैं रेक्टम, इसमें इसकी कोशिश भी आगे थोड़ी देर नहीं होती है मुझे, और ये देख रहे हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिंदगी का, ये इसका जो है ना यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसका क्या यूरिनरी ब्लैडर ये आगे क्लोएका में खुल जाता है, देखो बेटा ये थोड़ी बहुत इसकी साथ फैट बॉडी होती है नजर आ रही है, ये क्या है ये फैट बॉडी होती है, ये फैट बॉडी जो है ना इसी इसकी बॉडी होती है, जब एक्स्ट्रा फूड होता है ये फैट बॉडी स्टोर कर देता है और अपने आपको हाइड्रेट करके बैठ जाता है, तो हर बात में मैंने बताई है और कुछ पूछना वो ये है वो ये इंसेक्ट वाला होगा वो नहीं भाई इंसेक्ट वाला नहीं है इसमें बंदे वाला ही है इंसेक्ट किडनी तुझे दिखाएगी इंसेक्ट के अंदर किडनी होते हैं बिल्कुल वाकई ये देखो ना वो भाई ये वर्टीब्रेट है मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें मैं इनवर्टीब्रेट पढ़ा रहा हूँ मैंने ये कहा कि बंदा नहीं सो एक मैंने पहन लिया एक गली ने पहन लिया और हमने हमारा फ्रॉक मिल गया, अब हम करेंगे इसको ऑपरेशन, सबसे पहले यार ऐसे ना ये फ्रॉक अली जैसा है अली छोटा वो जो हमारा अली है अली मलिक औरत बनने का शौक है औरत बनने का शौक है रखो इसे इसी तरह रखो मैंने ऐसे ही लगा दिया मैंने कहा सभी जो तुम्हारे सामने ऐसे किया नहीं किया ना छोड़ दो इसको इस बॉडी को तुमने क्या करा आगे हो जाओ आगे आगे हो जाओ मुझे इधर बैठने दो चलो दूसरी तरफ आओ ओए ये इसकी हड्डियां यार दोनों हाथ होते ना तो दे दो मोहम्मद
ऐसा नहीं हो सकता। उसे कहते हैं सिर्फ एक कमरा है, एक लेके आओ। ये गलत लगा रहा है, मम्मा की वजह से खींच के लगा। वो सही है, उसको छोड़ दे तू। इस तरह से ढीला ढीला लगाना है। किसी कुंफू की औलाद अली सलमान। डंगरों के डॉक्टर भी तो डॉक्टर ही होते हैं ना। बॉडी का सही कह रहा, बहुत ना काटना अली सलमान पुत्र। खल ला रहे ना, खल ते एक भी नहीं डक लगना चाहिए, तो इन इन बॉडी होनी चाहिए। डॉक्टर पानी करते सब कहते हैं ना, इनी बॉडी होनी चाहिए, खल च एक डक भी ना लगे। क्यामत वाले दिन ये डड्डू तुम्हें इस तरह से काटेगा। अली सलमान को फिकर लगी है, जब सर करा रहे कहता यार हमें क्यामत वाले दिन किसको मुंह दिखाना है, अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे। मोर नहीं दिखाएंगे, कल वाले दिन ये हमसे उतर गया। नहीं ये उतरा नहीं, कुछ और निकल आया। ये तो सर निकालता है, तो सब हो गई आंखें। मैं काटू, चलो हाँ सही है। यार ये अली सलमान काटेगा, अली ध्यान से काटी यार। ये निकालो, ये निकालना, ये इससे काट और इसको इसमें डाल, इसमें डाल, इसमें डाल, इसी से ही करना है। इसके बीच नहीं डालना, ओह इसके अंदर ही डालना है यार। और रुक जा ना, ये बड़ा तेज होता है आराम से। ओह ये इसके अंदर से डालना, पीछे कर थोड़ा ना करो। हाँ हाँ बस सही है, आप इसको काटो आराम से। काटना यार, यार टक लगाओ ना पहले। हाँ ये से मैंने पिछले लेके रखी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो ले जाता हूँ। आप क्या करते हैं यार, मेरे व्लॉग में आ रहे हो आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको चाहिए कि सब्सक्राइबर्स को कहो, अपने फॉलोअर्स को कहो। नहीं है अच्छा, फिर क्या हो तुम आर्टिस्ट हो यार, सीधा सीधा कहो ना। खून तो नहीं निकला, शवाल से ही ऑपरेशन कर रहे हैं। शवाल मैं शक हो रहा है, इसका ग्रुप वाले ने निकाल दिया। मैंने किसी ने भी निकल दिया,
ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੀ ਸਲਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਅਲੀ ਸਲਮਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਓਏ ਉਸਕਾ ਦਿਲ ਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਆ ਟੂਮ ਕੱਢੇ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅਲੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਲਾਮ ਤੇ अब वो धोखा दे की थे अब ये लोग भी तुम्हें धोखा दे जाएंगे तूने नहीं काटना था मैंने काटने मैं वो नहीं कर सकता ओ एक एक मिनट पड़ा हुआ है ना ये पकड़ो यार यार अब उधर से पकड़ लेना इधर छोड़ दे पकड़ू वो दूसरी चीज जो काटी है उसे पकड़ जो काटनी है काटनी है अब इसको काटो नहीं इससे तो काट लो वो होता है अंदर उसके अंदर ना वो उस यार उसके अंदर देख लो वो है सब नहीं है बोन कटन नहीं है है यार भाई। यार वो बड़े में देख लो ये बड़ी के साथ ये बड़ी वाली के साथ काट लो नहीं इसके पास है वो उसके बड़े में ये इसके साथ काट लो गाइस देखिए मैं कट जाएगी ये इससे ही हड्डी कट जाएगी ये क्या है ये बेन अभी जा रही है कट कर दी है थोड़ा इधर कट कर दी है थोड़ा मुझे भी दिखाओ मैं काटूंगा कट कर दी है ना अली सलमान मुझे भी दिखाओ वे काटा की पिया को दी हड्डी वांट सु इतो ओ उसके साथ काट लो काट दी सु तेरी है ओ तेरी है यार मर गया तेरी ऐसी भी कैसी वांट सु लू लाला कर सु एक मिनट आराम इधर आराम से ये फीमेल है किधर फीमेल हाँ ब्रीज बस अब पकड़ ले इसका अपने मोबाइल के ऊपर से नहीं पकड़ा जा रहा क्यों उन्होंने उसका हाथ तक काट दिया है बस छोड़ दे यार बस कर दे वो इस बस शिवाल सही जालम बंदा बना हुआ है क्यामत वाले क्यामत वाले दिन शिवाल इधर होगा और डिटू इधर होगा मैं कहूँगा कि सर ने हमसे करवाया हम क्यों करें वाह 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 देखो फोटोग्राफी हो रही है इनसे पूछती यार आप लोग तो डड्डू का ऑपरेशन करने नहीं आए थे नहीं, हम तस्वीर बनाने आए हैं हम तस्वीर बनाने ये हमारा प्यारा वहीं पुराना सो यार अभी ना सब डेस्क इसको देखते हैं वो क्या करना अली सबसे पहले तुम बताओ तुम लोगों ने अभी तक क्या किया है ये बड़ा लेकिन अली अभी तक क्या किया है डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग ओहो कहाँ कितना कहाँ तक पहुँचे हो अभी तक हमने कोई ना सेक्शन कर ली बस अभी देखने वाला है चलो देखो सो बॉयज आप लोगों ने क्या क्या कर लिया अभी तक तकरीबन ऑपरेट किया अभी तकरीबन हमने इसको एक्सपोज कर दी इसकी स्किन मसल एक्सपोज कर दी हमने आप लोगों का वैसे डड्डू बड़ा हेल्दी है हेल्दी है हमारे जुस्से पे गया उसको होल सर्दी नहीं परफॉर्म करनी
11 सर वो नहीं आया सर प्रेजेंट सो आप लोगों ने क्या कर लिया है डॉक्टर साहब ये तो मैं एक चीज अलग करके रख दी है वो आंकड़ी उसकी आंखें उसका नाम यार वो हेलो अहमद आपने क्या क्या कर लिया है भाई अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास आपके सामने है ये हमने हर चीज सेपरेट करके यार आपका बड़ा हेल्दी है इसलिए ज्यादा हेल्दी है सब कुछ खोल दिया इसका हार्ट अभी तक चल रहा है जिंदा है यानी ऑपरेशन जिंदा है ऑपरेशन सक्सेसफुल है हाँ ओके बताओ ये है जो आप देखेंगे तो ये वाला ये है इसका क्योंकि इस पे शोरा ने बहुत सी गजलें बहुत सा इस पे मवाद लिख डाला है बहुत से सारे वो इंसान के हार्ट पे लिखे इसके हार्ट में इस चीज के ऊपर लिखा ये है इसके लीवर अच्छा जी अगे जिसे हम आगे खुराक पर डिटॉक्सिफिकेशन ये है इसकी गाल क्योंकि देख रहे हैं आप छोटी सी है बिल्कुल क्यूट तेरे जैसे हाँ आगे ये है इसके लंग्स देख रहे हैं इधर एक वो था वो स्प्लीन इधर है स्प्लीन निकाल नहीं नहीं अभी आप इसको स्प्लीन निकाल ये भी लंग्स है देखिए ये भी लंग्स ये देखिए ये फलाल हो गया बेचारा ये स्प्लीन है नहीं स्प्लीन ये फिर क्या है छोटी सी बुन्नी ये लाल गुलाबी चुन्नी इसके ऐसा फोकस है ये इसका स्टमक है ये देख रहे हैं ना ये देख रहे मेरा सर दर्द कर रहा है ये है स्टमक चुप करो अभी काटो तो हाँ मैं बता रहा हूँ ये है रेक्टम ये एक लंग है इधर दूसरा दूसरा फट गया था दूसरा फाड़ दिया था नहीं वो यार चलो क्लास में चलते हैं ओके अल्लाह यार अभी ना ऑपरेशन वगैरह खत्म हो चुके हैं और उनको देख के दिया गया देखो उनके अंदर डस्टबिन के अंदर वो हैं बाकी यार आपको सारे हाथ धो रहे हैं अपना सुकून से मैंने पहले धो लिए अभी भाई जाके दोबारा धोएंगे सो यार यही सीन है अभी लैब बच्चे वगैरह चल रही हैं बाकी यार अभी सुकून में थे अंदर लैब में अब बाहर आए हैं तो गर्मी लग रही है कोट वगैरह भी उतारना पड़ेगा आगे अली सुनोन भागा जा रहा है ये यार कैमरे में ब्लरनेस बहुत ज़्यादा है सो चलते हैं एंड इधर आपको फीस दिखाता हूँ आई लव एफ सी सी लिखा हुआ है मैं पहले बोलने लगा था आई लव द एजुकेटर्स फिजिक्स का लेक्चर खत्म हुआ है पार्ट स्टडी का स्टार्ट हो चुका है अगले पार्ट स्टडी का टेस्ट है तो क्लास में खूब बच्चे पढ़ रहे हैं वन आवर लेटर बायो के बाद म्यूजिक की क्लास है वो हो गया सो अभी मतलब टीचर टाइम टेस्ट वाला बच्चों से लेनी है एंड अभी इंग्लिश के टीचर आती हैं फिर इंग्लिश का लेक्चर लेते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट बताओ ये देखो किस तरह से डोन बनकर आया हुआ है इधर इधर दिखाओ अपनी ऐनक ये देखो ऐनक के अंदर हम नज़र आ रहे हैं तो यार चलो अच्छी बात है इससे मुझे दर्द हो रही है इससे तो कुछ हो नहीं रहा डंगर सा ये है जानवर वन आवर लेटर तो यार म्यूजिक की क्लास के लिए अब हम लोग जा रहे हैं टेस्ट भी कम्प्लीट हो चुका है एंड यूट्यूब अभी चलते हैं और जाते हैं म्यूजिक की क्लास आपको बाहर से दिखाऊंगा अंदर से मैं भी ना दिखा पाऊँ लेकिन आप लोग देख लेना थोड़ी सी ये अभी से म्यूजिक गा रहा है आपने सुन लिया थोड़ा होता उतना ही बड़ा है ना ये ना डालना ये तो डालूंगा
सो यार चेक करो अभी कितना प्यारा सीन आ रहा है, कैमरा साफ मैंने किया था तो इसकी वजह से ये देखो कितना मतलब प्यारा म्यूजिक। हमारी टीचर हमें पता है क्या पढ़ाती है, म्यूजिक। सामने लाइब्रेरी है एंड अभी हम बोटैनिकल गार्डन वाली साइड पर आ गए हैं। ये सारा बोटैनिकल गार्डन का एरिया है, बाकी ये म्यूजिक की क्लास का इतना बड़ा दरवाजा है। म्यूजिक हो भाई, सब्सक्राइब करो अपने लड़के को, बहुत मेहनत करता है यार। One hour later. So यार ये हमारी क्लास थी एंड अब क्लास के बाद जा रहे हैं। सो अयान और इसरान और अली एंड मैं, तो अभी यार ना चलते हैं कैफे में थोड़ी देर बैठते हैं एंड उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करें। सो यार ये सारे गाइस इधर बैठे हैं, ये हमजा, ये दीवान, ये अली एंड बाकी वो सुदेश वगैरह जा रहे हैं। सो अभी मैं ना इधर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, अगर कुछ किया ना तो डाल दूंगा नहीं, तो इधर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम आपको आ रहा होगा उसे फॉलो कर लीजिए। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake.